सो हे गाइज, वेलकम बैक माई चैनल वंस अगेन। तो गाइज, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो है MED और MPED का रिजल्ट आ चुका है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे MPED का, सबसे पहले हम MED का देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो MED का यहाँ पे अगर आपने क्या करना है, अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर इंटर करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, यहाँ से आप जो है अपना जो है MED का रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है मेरिट लिस्ट MPED के लिए, तो जो MPED की जो मेरिट लिस्ट निकली है, इसके जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कुछ, तो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक जो मेरिट लिस्ट बनी है वो रिटन टेस्ट एंड PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है वो उसके बेस पर बनी है, ठीक है। और इसमें जो एडमिशन्स फ़ीस सबमिट करनी है 17 और 18 नवंबर को, यहाँ पे जो है एडमिशन्स फ़ीस पे करनी है जो कि 21,190 है, जिनका एडमिशन मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, जिनका कि जो है MPED में जो है सिलेक्शंस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मार्क्स देखें आप, मार्क्स देखिए, जो टॉपर है उनके जो मार्क्स हैं 69 है। एंड यहाँ पे देखें, अगर कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं, तो ST कैटेगरी में 34 नंबर पे कट ऑफ गई है, एंड जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 41 पे रुकी है, ठीक है। एंड जो अपना जो है OBC कैटेगरी है, उसमें जो कट ऑफ गई है वो 30 पे रुकी है, ठीक है। OBC में जो है 30 कैटेगरी में 30 नंबर्स पे जो है कैटेगरी उठी है। एंड जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 44 मार्क्स पे जो है, ठीक है, आपकी 44 मार्क्स पे आपका जो है कट ऑफ रुकी है, ठीक है। तो ये प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्टेड है, जिनका कि MPED कोर्सेज के लिए एडमिशंस, जिनका कि जो है आपका जो मेरिट लिस्ट बनाई है फाइनल जो मार्क्स के बेस पे, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट भी है, इसमें वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने दी है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट ये दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में आप कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल की 27 है, और OBC में यहाँ पे देखिए 31 मार्क्स वाले भी हैं, और SC में यहाँ पे 32 वाले। तो ये वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। बाकी यार, जो MED का जो रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है वो, ठीक है, MED का रिजल्ट आप रोल नंबर डालेंगे, उसी बेस पे जो है आपका यहाँ से MED का रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये MED का रिजल्ट आ चुका है, इंस्ट्रक्शंस मैंने बता दिए हैं। MED का आप जो है जो MED का जो रिजल्ट है वो आप कैसे चेक कर पाएंगे, वो आप तभी चेक कर पाएंगे आप वहाँ पर रोल नंबर